गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स के ऑफिशियल एंड आई वेलकम यू टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर यूनिट टू विच इज डीएलडी ऑफ कोर्स. सो आई होप यू हैव सीन पार्ट वन. एंड अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो देखना क्योंकि बाद में ही ये समझ में आएगा. एंड आज की वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग एंड वी विल ट्राई टू कवर दिस यूनिट टू. ओके, एंड इसके बाद मैं पार्ट वन पार्ट टू को मर्ज करके आपको वन शॉट भी दे दूंगी. तो प्लीज आप इन वीडियोज को अच्छे से फॉलो करो ताकि आपका इन सेम एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए. एंड डेफिनेटली सारे के सारे सब्जेक्ट लाइक डीएम, ओप्स, एफडीएस, सीजी, डीएलडी, एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच सब यहाँ इसी चैनल के ऊपर कवर हो रहे हैं बाय मी इटसेल्फ. तो बहुत अच्छे से आपको सब चीज़ें जो है ना सेक्शनल वाइज एंड बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट मैनर में यहाँ पे मिल रही हैं. तो सारे लेक्चर्स तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल ही जाएंगे. तो आपको जो नोट्स अगर चाहिए होंगे एग्जाम्स के लिए सारे के सारे नोट्स, ओके, जो भी आप सोचो कि लाइक शॉर्ट नोट्स हो एंड आपके पूरे के पूरे मतलब डिटेल्ड नोट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक फॉर योर इनसेम पेपर एज वेल एज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भी मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ. तो बहुत ज़्यादा इजीली आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल रही होगी गूगल फॉर्म की. अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो या फिर आप AIDS ब्रांच से हो तो आप वो दोनों में से कोई भी जाके फिल कर सकते हो एंड वहाँ पर से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा सारा प्रोसेस होने के बाद. ठीक है, तो चलिए ये तो नोट्स की अपडेट हो गई. एंड टॉकिंग अबाउट दिस यूनिट, तो पार्ट वन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड वो चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मतलब एक्सप्लेन करने में ये दिया, लाइक जैसे कि फुल एडर हो गया, हाफ एडर हो गया, जो कि यूजुअली आपको टीचर्स नहीं देंगी. एंड अगर आप यूट्यूब पर कहीं और भी पढ़ोगे तो दे विल नॉट गिव यू इन सच अ परफेक्ट मैनर. ओके, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपको कहीं एक चैनल पर मिल रहे होंगे. लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है. तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इस चैनल को बढ़ाओ बहुत. इसके अंदर हमारा जो मेंबर्स है ना बहुत अच्छे आ जाने चाहिए एंड दैट्स ऑल ऑन यू ऑल गाइज. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. दैट इज़ आर यूनिट टू DLD एंड इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई बिकॉज कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो पता होते हैं एंड वो क्वेश्चन को मतलब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू ऑल नो कि DLD के अंदर हम बिल्कुल भी मतलब लर्न नहीं कर सकते कोई चीज़, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व दोज थिंग्स. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पार्ट वन को मतलब जो भी कंसेप्चुअली मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है तो एनी क्वेश्चन कैन कम एंड यू कैन आंसर दैट. ओके, वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दैट. तो आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है लुक अहेड कैरी जनरेटर. ओके, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ईजी लगेगा आपको जब आप समझ जाओगे. तो देन लुक अहेड कैरी जनरेटर के बाद वी विल अंडरस्टैंड BCD एडर. BCD एडर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हो सकता है वाइवा वगैरह के अंदर भी पूछा जाए क्योंकि ईजी है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. देन नेक्स्ट वी विल गो टू कंपैरेटर्स, ठीक है, जिसमें मैं आपको 1-bit और 2-bit कंपैरेटर समझाऊंगी. देन वी विल गो टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, तो वो मल्टीप्लेक्सर इतना ईजी है लेकिन मतलब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा. फिर मक्स इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, डी मक्स देखेंगे एंड दैट्स इट, ज्यादा कुछ है ही नहीं. लास्ट में आपका पैरिटी जनरेटर है तो बस इतना ही करना है एंड आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द स्टफ वी हैव कंप्लीटेड इन पार्ट वन इटसेल्फ. ठीक है, तो चलिए यहां पर अब DLD का हम अपना यूनिट टू का जो अपना लास्ट पार्ट है वो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी टूडे इज वॉट इज योर लुक अहेड कैरी जनरेटर. ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज़ क्यों किया जाता है वो हम समझेंगे. लुक अहेड कैरी जनरेटर, आप देखोगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखो तो वहाँ पर आपको दिखेगा. आई विल कम अप विद दो सेशंस ऑल्सो. अगर आपको मतलब PYQs पर सेशन चाहिए कि अगर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं हम उन पर भी एक डिस्कशन रख सकते हैं. तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द सेक्शन. सो आपको बहुत अच्छे से मैं वो सब भी बता दूंगी हर सब्जेक्ट का एंड लाइक 2023 के पेपर्स ही लेके मतलब फुल अपडेटेड लेटेस्ट हम PYQs लेके उनको समझेंगे. ठीक है, तो चलिए लुक अहेड कैरी जनरेटर. ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको फास्टर एडर भी बोला जाता है. ओके,
तो फास्टर एडर क्यों बोला जाता है? तो देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन अच्छे से समझना है, जो कि है हमारा प्रोपगेशन डिले। ठीक है, प्रोपगेशन डिले का मतलब समझ में आ गया। तो इसका जो यूज होगा ना, लुक अहेड कैरी जनरेटर का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज डोंट वरी, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। अगर आपने परचेज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपका पूरे सेकेंड ईयर का जो स्टफ है वो वहां पर प्रेजेंट है। यहाँ से पढ़ो, वहां से रिवाइज करो, खत्म। कुछ ज्यादा करने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रोपगेशन डिले, इसका मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम इनपुट टिल जनरेशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम इनपुट, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड कहाँ पे, इनपुट से आउटपुट जनरेट होने के लिए जितना टाइम लगता है, राइट, उस टाइम को हम बोलते हैं क्या, प्रोपगेशन डिले। कितना इजी है ना, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम इनपुट टिल जनरेशन ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज योर प्रोपगेशन डिले। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोपगेशन डिले होता है ये कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें आउटपुट कैसा चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, क्या, लुक अहेड कैरी जनरेटर। ये क्या है आपका, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है, समझ में आया, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर जो कि जनरली यूज किया जाता है टू रिड्यूस योर प्रोपगेशन डिले। समझ में आया, कितना सिंपल है इसका डेफिनेशन, तो बस आपको ऐसे ही समझना है। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज प्रोपगेशन डिले, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम इनपुट टिल जनरेशन ऑफ आउटपुट, ओके, एंड वी नीड टू रिड्यूस दिस प्रोपगेशन डिले, सो दिस कैन बी ऑब्टेन by the complex hardware that is your look ahead carry generator, okay? parallel adder एक आपका जो होता है, जो भी हम adder use करते हैं, right? तो उस adder के parallel में हम इस look ahead carry generator को यहाँ पर लगा देते हैं, and जिसके वजह से जो time required है वो reduce हो जाता है, and we get output in लेस टाइम, ओके। सो चलिए, आपको प्रोपगेशन डिले समझ में आ गया, तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रखना। एंड देन नाउ कमिंग टू लुक अहेड कैरी जनरेटर। ठीक है, तो लुक अहेड कैरी जनरेटर को मैंने जैसे बोला, इसको फास्टर एडर भी बोला जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फास्टर एडर, तो उसको अंदर भी आपको क्या करना है, यही बनाना है, क्योंकि इसी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अब इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। फास्टर एडर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर इसको हम पैरेलल में किसी एडर के अगर लगाएं, तो वो जो उसका टाइम है टू लाइक जनरेट आउटपुट, उसको रिड्यूस कर देता है, राइट? तो बस यही काम है। तो मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, एंड सिंपली आपको डायग्राम कैसे बनाना है इसका, तो कुछ नहीं, आपको फुल एडर बनाने आता है। फुल एडर बनाने के लिए हमें हाफ एडर बनाना आना चाहिए। तो अगर बेसिकली आपको हाफ एडर बनाने आता है, तो आपको लुक अहेड कैरी जनरेटर बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी उसका डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये डायग्राम तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए इससे, है ना? तो बस यही स्टार्टिंग डायग्राम है आपके लुक अहेड कैरी जनरेटर का। तो आप बोलोगे क्या है, ये तो फुल एडर ही है ना, ये हमने हाफ एडर यहाँ पर लगाया, ये हाफ एडर यहाँ पर लगाया है, यहाँ से आपका ए इनपुट होता है, यहाँ से आपका बी होता है, यहाँ से आपका सी होता है ना, यहाँ से हमारे आउटपुट आ जाएंगे, हमारा और गेट लगा हुआ है। तो ये आई नो ये कंप्लीट डायग्राम किसका है, आपके फुल एडर का है, राइट? अब आपको इसके अंदर जो कुछ चेंजेस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। लुक अहेड कैरी जनरेटर, देखो कैरी जनरेटर, समझ में आया, इससे हम क्या कर रहे हैं, कैरी जनरेट कर रहे हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको अगर एक कैरी पता हो, यानी कि सपोज आपको C1 पता हो, तो आप आगे की सारी कैरीज खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो, लाइक C2, C3, C4, C5, है ना? तो अगर हमें आगे की कैरीज सब पता है, तो हमारा जो फंक्शन है वो फास्ट हो जाता है, समझ में आया? तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या था, ऑब्वियसली यहाँ पर ए बी सी ऐसा होता था, तो सिंपल आपको इसको यही रखना है, A1 या फिर AI इसको बोलिए, AI, BI और CI, ओके? तो ये हमने इसको बोल दिया। अब मुझे बताओ, ये तो XOR है ना, तो XOR में क्या होता है, यहाँ पर होता है A XOR B, है ना, A XOR B होता है। तो जो ये A XOR B होता है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, कैरी प्रोपगेटर। कैरी प्रोपगेटर का मतलब क्या होता है, इसको आप डिनोट करोगे PI। तो अब इसको आगे से मैं इस जो भी इक्वेशन मैं यहाँ पर बना रही हूँ, उसके अंदर मैं इसको PI बोलूंगी। किसको PI मुझे बोलना है, यहाँ पर जो ये XOR फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, उसको, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर एंड है, तो सिंपल यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था ए बी,
है ना, यहाँ पर होता था ए बी। तो अब बस यहाँ पर ए बी जो हुआ है इसको अब मुझे बोलना है कैरी जनरेटर। तो अगर जनरेटर है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जी आई, एंड इसको मुझे आगे पूरा जी आई ही यूज़ करना है। समझ में आया यहाँ तक सब? इजी है। आई आई बी आई सी आई, और यहाँ पर पी आई, और यहाँ पर जी आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक्सऑर होता है। एक्सऑर किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। एंड यहाँ से जो आ रहा है ये सी सी आई है ना, सी आई से हो रहा है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर पी आई है और यहाँ पर सी आई है एंड इसका यहाँ पर एक्सोर हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पी आई एक्सोर सी आई, है ना। तो बस इसको यही बोलेंगे, सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर एंड हो रहा है। किसका एंड हो रहा है गाइज? यहाँ पर देखो ये है आपका पी आई, और ये कहाँ से आ रहा है? ये दूसरा, ये है आपका सी आई। तो पी आई और सी आई का यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी आई और सी आई का एंड। समझ में आया? वही बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर अब और हो रहा है, और किसका हो रहा है? ये देखो यहाँ से आ रहा है जी आई, और यहाँ से आ रहा है पी आई सी आई, है ना। तो यहाँ पर जी आई का और किसके साथ हो रहा है? पी आई सी आई से और हो रहा है ना। तो अगर हम इसको बेसिकली लिखने जाएं, यानी कि देखो यहाँ से अगर हम समझ के कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है आपका, सपोज यहाँ से आ रहा है एंड ये यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको बेसिकली लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए बी, है ना। अगर मैं जी आई पी आई कंसिडर नहीं करूँ तो यहाँ पर मेरा आएगा ए बी। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सपोज जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बेसिकली, तो यहाँ से ए एक्सॉर बी आता है और यहाँ से सी आता है, यानी कि यहाँ पर आता है क्या, ए एक्सॉर बी डॉट सी, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई टेंशन की बात तो है नहीं। तो बस इसी को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, और कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं और कर दूंगी किसको, ए एक्सॉर बी के यहाँ पर सी। समझ में आया? ये सी है यहाँ पर, देखो। तो ये ए बी प्लस यहाँ पर और ए एक्सॉर बी सी, है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है बेसिकली। लेकिन हमारा ए बी क्या है? हमारा ए बी है जी आई, है ना, प्लस हमारा ए एक्सॉर बी क्या है? हमारा ए एक्सॉर बी है पी आई, है ना। और ये हमारा सी क्या है? हमारा सी है सी इन, है ना। तो बस सिंपल आपको इसको ऐसे समझना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हो, कर सकते हो, लाइक यहाँ पर पी आई सी आई, सिंपल। तो ये आपका जो है ये पूरा एक्सप्रेशन किसका होता है? ये आपका एक्सप्रेशन होता है सी आई प्लस वन का। अब ये सी आई प्लस वन क्या होता है? तो सी यहाँ पर आपको समझना है कैरी, सी को आपको समझना है कैरी। अब ये जो कैरी है हमें आगे की कैरी प्रेडिक्ट करनी है। अगर सपोज हमें आई होता है एंड अगर मुझे आगे वाला आई चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल उसके अंदर आई प्लस वन कर देती हूँ, है ना। अगर मेरे पास ए है एंड वो आई प्रेजेंट है, ए ऑफ आई है, अगर मुझे उसके बाद वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं उसको क्या लिखती हूँ, ए आई प्लस वन लिखती हूँ। वैसे ही मेरे पास एक कैरी है, ठीक है, मेरे पास एक कैरी है जिसको मुझे नेक्स्ट उसकी कैरी अगर मतलब मुझे चाहिए तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी सी आई प्लस वन। ठीक है, बस उसी का एक्सप्रेशन है आपका ये। समझ में आया? जी आई प्लस पी आई सी आई, समझ में आ गया। बस अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको एक टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल। किसका आपको बनाना है? ये लुक अहेड कैरी जनरेटर का। तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ, इतना सिंपल करके बताऊंगी। मतलब मैं इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस बताना नहीं चाह रही हूँ, एकदम सिंपल टू द पॉइंट। लाइक अगर आप फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बिठा के पढ़ाओगे ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल मैं आपको बताऊंगी। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये क्या है, ये लुक अहेड कैरी जनरेटर के लिए ये हमारा डायग्राम हो गया है, सिंपल फुल एडर का ही डायग्राम है। क्या चेंजेस किए? कुछ नहीं, बस इसको पी आई बोला, इसको जी आई बोला एंड बाकी के सारे एक्सप्रेशन में पी आई जी आई को यूज किया। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये किसके लिए है? आपका सी आई प्लस वन के लिए है। इसी को हमें एंड तक यूज करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे एंड देखो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, एक ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर लेती हूं। तो देखो ये है आपका ट्रुथ टेबल, ठीक है। इस ट्रुथ टेबल को हम पहले बना रहे होंगे, सिंपल इसको कैसे बनाना है आपको, ए बी और सी हमारे पास तीन इनपुट थे, यानी कि हमारे पास थ्री बिट्स होने चाहिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, फोर जीरोस फोर वंस, ओके, फोर जीरोस फोर वंस यहाँ पर होंगे। यहाँ पर होगा टू जीरोस टू वन, टू जीरोस टू वन, फिर वन जीरो वन वन, वन जीरो वन वन, वन जीरो वन वन, लाइक दैट, ठीक है। तो ये तो टेबल बनाना सबको आता है। बस अब हमें यहाँ पर बनानी है कैरी आउट, ठीक है, कि कैरी आउट के अंदर क्या आने वाला है। तो देखो इसके अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, सिंपल सिंपल आपको ऐसे याद रखना है, जहाँ पर दो से ज़्यादा वन है,
जहाँ पर दो से ज्यादा वन है, बस वहीं पर आपको कैरी आउट में वन करना है, बाकी सब में जीरो करना है। समझ में आया? देखो जीरो है यहाँ पर हर जगह, तो यहाँ पर आएगा जीरो। यहाँ पर वन है लेकिन एक ही बार है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जीरो। यहाँ पर भी वन है लेकिन एक ही बार है, तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगी जीरो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन क्या है, दो बार है, तो मैंने आपको क्या बोला, दो बार या दो से ज्यादा, एटलीस्ट हमारे पास दो वंस होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर दो वंस है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वन, यहाँ पर एक ही वन है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जीरो, यहाँ पर दो वंस है तो वन, यहाँ पर दो वंस है तो वन, यहाँ पर तीन वंस है तो भी वन, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट हमने टू बोला है तो थ्री भी हमारा चलता ही है, यानी दो से ज्यादा कितने भी हो जाए चलेगा। तो बस ये है आपका कैरी आउट, समझ में आ गया? इतना सिंपल कोई बताएगा? देखो कितना ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर तो कुछ है भी नहीं। एंड लोग डरते हैं, लाइक लुक अहेड कैरी जनरेटर बहुत बड़ा है, आई नो उसके अंदर आपको टाइम ज्यादा लगेगा आपको आंसर बनाने में, लेकिन बहुत ईजी है, राइट? बहुत ज्यादा ईजी है। पहले आपको वो जो मैंने अभी आपको दिखाया क्या है, वो डायग्राम फुल एडर का, बस वही आपको बनाना है। उसके बाद आपको ये ट्रुथ टेबल बनानी है, समझ में आ गया? देखो हमेशा याद रखो, ये जो है ना जीरो वन, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये आपके सी पे डिपेंड कर रहे हैं। सी क्या है आपका? ये, यानी कि अगर इन दोनों में आपका वन हो जाए, यानी कि सपोज ऑफकोर्स अब इन दोनों के अंदर भी हम देखेंगे, लेकिन जो सी है, सी मतलब आपका जो सी वन होने वाला है ना, सी आए, तो जो पहला सी होगा उसी पर आपका डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? तो चलिए जल्दी से अब इसको मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ कि अब इसके बाद आपको क्या करना है। अब इसके बाद जो आपका यूजेज है, ये इसके बाद अगर आपका यूजेज है, लाइक आपको मतलब जो ये हमारा एक्सप्रेशन था जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, वो जी आई प्लस पी आई सी आई वाला है ना, सी आई प्लस वन का, तो बस वही अब आपको यूज करना है। एंड एग्जाम्पल से आपको बताना है, प्रूफ करना है कि सारे के सारी कैरीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो आपके फर्स्ट कैरी पर आपकी सारी की सारी कैरीज डिपेंड कर रही हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, पहली जो कैरी होगी उसी पे सारी कैरीज डिपेंड करेंगी, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, ठीक है? तो सिंपल, उसके लिए अभी हम वही एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखो ये जो सब है ना, इनके मार्क्स होते हैं, लाइक पहले आपने डायग्राम बनाया, फिर ट्रूथ टेबल, उसके बाद आप एग्जाम्पल दिखाओगे, उसके बाद आप लॉजिक डायग्राम दिखाओगे, एंड उसके बाद अपना मेन डायग्राम दिखाओगे। तो ये एक परफेक्ट फ्लो है आपके लुक अहेड कैरी जनरेटर के एग्जाम्पल का। अगर आपके पास चांस है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है एंड इससे छोटा ऑप्शन है, तो आप उसको अटेंड करना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा ही। तो इसको फिर आपको, अगर कोई ऑप्शन नहीं, आपको सेकंड ऑप्शन में से भी नहीं आता है, तो इस पे आप जा सकते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फुल मार्क्स देके जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ओके? तो चलिए हमने ट्रूथ टेबल लिख लिया, अब हम बना लेते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में लिख लूंगी, तो ये है आपका वो वाला इक्वेशन, है ना, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अब इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम अपकमिंग कैरी को डिटरमाइंड करेंगे, ठीक है? जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, वी कैन प्रेडिक्ट द कैरी विच इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। समझ में आ गया? तो बस इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे एंड कैरीज को डिटरमाइन करेंगे कि नेक्स्ट वाली जो कैरी है वो क्या होने वाली है, ओके? तो बस अब इसके अंदर हमें लेना है एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल लोगे? तो आप सिंपल सीरीज वाइज आप आई की वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे होंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल होगा आपका आई इक्वल टू वन के लिए, ठीक है? आई इक्वल टू वन के लिए, तो अगर हमने आई यहाँ पर वन लिया, तो अगर इस एक्सप्रेशन में मैं पुट करूंगी, तो मेरा आई क्या हो जाएगा, सी आई है हमारा वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, विच इज इक्वल टू जी आई, जी वन है ना, प्लस पी आई यानी कि पी वन और सी वन, जस्ट हमने आई की जगह वन को पुट किया एंड ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब हमें सपोज करना है, सपोज क्या, सपोज हमारे पास एक, सपोज एक एग्जाम्पल है, लाइक यहाँ पर है 1101 जिसको हमें ऐड करना है एंड यहाँ पर है 1101, ठीक है? तो पहली कैरी जो है वो हमें पता होनी चाहिए, लाइक यहाँ पर अगर मैं 1+1 करूंगी, अगर मैं 1+1 करती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, जीरो सम और वन कैरी, तो जीरो सम हो गया और वन कैरी आ गई, है ना? तो ये जो कैरी है ये क्या है आपकी, सी वन है, समझ में आया? ये क्या है, डायरेक्ट हम सी टू निकाल रहे हैं, लेकिन हम निकाल रहे हैं सी वन से, एंड आप देखोगे सारे एक्सप्रेशंस के अंदर आपको सी वन जो है वो देना है, यानी कि पहली कैरी पे आपकी सी टू, आपकी सी थ्री, आपकी सी फोर, जो भी अपकमिंग कैरीज है वो डिपेंड होती है, समझ में आया? तो ये सी वन हो गया, अब इस सी वन को हमें यहां पर देना है, तो ये सबसे पहला आपका एक्सप्रेशन हो जाता है जिसको हमें समझना है, ठीक है? उसके बाद ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद हमें समझना है लाइक हमें नेक्स्ट आई इक्वल टू टू डालना है, तो आई इक्वल टू टू अगर मैंने डाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा,
यहाँ पर जी टू हो जाएगा प्लस पी टू और सी टू, सिंपल। अब ये जो सी टू है, मुझे बताओ ये ही सी टू जो है इसी का तो एक्सप्रेशन है ये। तो अगर मैंने यहाँ पर सी थ्री के अंदर ये जी टू एज इट इज रखा, पी टू एज इट इज रखा और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया जी वन प्लस पी वन सी वन, है ना। यानी कि सिंप्लीफाई अगर मैंने इसको करूँ तो मुझे मिलेगा जी टू प्लस सिंपल मल्टीप्लीकेशन पी टू जी वन प्लस पी टू पी वन सी वन। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, मुझे बताओ सी थ्री का, इसके अंदर आपको कौन सा कैरी दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन में कौन सी कैरी है, सी वन है राइट। तो बताओ ये जो सी वन है ये हमें बता रही है कि हाँ जो हमारी सी टू है वो भी सी वन पे डिपेंड कर रही है, जो हमारी सी थ्री है यानी कि जो थर्ड कैरी है वो भी सी वन पे ही डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी आपको सी टू दिख रहा है क्या, नहीं। तो हमारी सारी की सारी कैरीज जो होंगी वो हमारी सी वन पे ही डिपेंड होंगी, ठीक है। अब आप आई थ्री भी डाल के देख सकते हो, आई थ्री और आई, हाँ सिर्फ आई थ्री तक डाल के देखो क्योंकि फिर हम आगे जो हमारा जो डायग्राम होगा लॉजिक डायग्राम वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। हाँ बनेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी वन सी टू सी थ्री से, लेकिन स्टिल हमें तीन तो मतलब लेने ही पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर, अब आप आई थ्री भी डाल के देख सकते हो, है ना, आई थ्री आप डाल के देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आई यानी कि थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी थ्री प्लस यहाँ पर आ जाएगा पी थ्री सी थ्री, है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। अब ये सी थ्री, इस सी थ्री की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर है ना, इस सी थ्री का तो एक्सप्रेशन ये पूरा है। तो जस्ट आपको क्या करना है, मैं इसको रफ कर देती हूँ सपोज को, यस। एंड यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगी, सी फोर, ओके राइट, सी फोर है तो यहाँ पर आएगा सी फोर विच इज इक्वल टू जी थ्री प्लस पी थ्री। अब सी थ्री की जगह हम ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, जी टू प्लस पी टू जी वन प्लस पी टू पी वन सी वन। बस बस इसके अंदर हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या आएगा, जी थ्री प्लस यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो जी टू पी थ्री प्लस यहाँ पर आ जाएगा जी वन पहले लिख लेंगे फिर पी टू पी थ्री उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर आएगा आपका, रुको, पी वन पी टू दिख रहा है, पी वन पी टू पी थ्री और सी वन। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया है जो कि सी फोर का आया है उसमें भी आप देखोगे तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सी वन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप जितनी भी आप कैरीज बनाओगे, जितनी भी कैरीज आपकी होंगी वो कितनी होंगी, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सी वन पे डिपेंड करेंगी, है ना। तो समझ में आया कितना ज़्यादा सिंपल है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको बनाना है लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो बस ये एक्सप्रेशंस आप याद रखो, किसके, सी टू के सी वन, ये सी टू के सी थ्री के और सी फोर के, समझ में आया, सी टू सी थ्री सी फोर के आप एक्सप्रेशंस जो है वो याद रखो। एंड हम अब इसका डिज़ाइन करेंगे लॉजिक डायग्राम, तो मैं एक डिजाइन करके आपको दिखाऊंगी, बाकी के दो आप लोगों को खुद ही उसके अंदर बनाने हैं। प्रैक्टिस खुद से भी सर्किट डायग्राम की बनाने की रखो, बहुत सिंपल है आई नो, लेकिन हाँ एक बार प्रैक्टिस हर चीज की होनी चाहिए, लाइक एग्जाम में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन के चांसेस ना रहे। तो चलिए, तो देखो ये आपके तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस हैं जो अभी के अभी हमने निकाले थे, है ना। अब हमें इसका बनाना होगा लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सिंपल, देखो यहाँ पर हमें कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, देखो जी थ्री है ना, जी के अंदर देखें तो जी थ्री है, जी टू है, जी वन है, ओके। पी के अंदर देखें तो पी वन पी टू पी थ्री है ना। सी के अंदर देखें तो सिर्फ सी वन है, राइट। तो हमें सी और सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, सिर्फ सी वन ही हमें इनपुट में देना है। अब हमें आउटपुट में क्या मिल रहे होंगे, सी टू मिल रहे होंगे, सी थ्री मिल रहे होंगे, सी फोर मिल रहे होंगे, करेक्ट ना। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो लॉजिक डायग्राम आप सबसे पहले स्टार्ट करो बड़े वाले से, लाइक जी थ्री इधर है, ठीक है, उसके नीचे आप लोग बना लो पी थ्री, है ना, उसके नीचे आएगा जी टू, उसके नीचे आएगा पी टू, उसके नीचे जी वन, फिर पी वन, है ना। तो ये हो गए, अब लास्ट में यहाँ पर आप दे दो सी वन, क्योंकि इनपुट में तो सी वन देना हमें ज़रूरी है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखो सी टू को आप कैसे डिज़ाइन करोगे, जी वन प्लस पी वन सी वन, है ना। तो जी वन तो है, जी वन तो हमारा डायरेक्ट जा रहा है, तो जी वन तो हमारा डायरेक्ट चला जाएगा, पी वन सी वन है यानी कि ये पी वन और ये सी वन का क्या हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है ना, यहाँ पर इनका हो गया एंड, है ना। अब इसका और जी वन का क्या हो रहा है, और हो रहा है ना, प्लस ऑपरेटर है, तो इससे हमें मिल क्या रहा है, देखो ऊपर सी टू जी वन और पी वन एंड सी वन, है ना। तो इससे हमें मिल क्या रहा है, सी टू मिल रहा है, तो बस इसका जो आउटपुट होगा वो सी टू होगा, समझ में आया। तो ये हमने बना लिया सी टू के लिए। अब आप चाहो तो सी थ्री के लिए भी बना के देख सकते हो, सी फोर के लिए भी बना के देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा लेकिन आपके समझ में आ रहा है तो आपके जो एग्जामिनर
रहे हैं उनके भी समझ में आ जाएगा। बस दिखना चाहिए कि हाँ आपने C2, C3, C4 को क्या कर लिया, डिज़ाइन कर लिया। तो यह आप आगे का इसका डायग्राम आप खुद कंप्लीट कर सकते हो, बाकी आपके जो इसमें नोट्स में है वो तो अवेलेबल है ही, आप जाके वहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ मेन डायग्राम एंड दिस विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ योर आंसर। ठीक है, लुक अहेड कैरी जनरेटर की समझ में आ गया। तो चलो अब बनाएंगे मेन डायग्राम, ठीक है, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है हमारे एग्जामिनर का। तो सबसे पहले आप ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, आप ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है। इसके अंदर इस बॉक्स को हम नाम दे देंगे क्या, लुक अहेड कैरी जनरेटर। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे लुक अहेड कैरी जनरेटर। ओके, पूरा नाम लिखना। अब हमें यहाँ पर दिखाने हैं इनपुट्स एंड यहाँ पर दिखाने हैं आउटपुट्स। बहुत सिंपल है। अब हमें पता है फुल एडर में क्या होता है, फुल एडर किसका कॉम्बिनेशन है, दो हाफ एडर्स का कॉम्बिनेशन है। तो गाइज बस हमें यहाँ पर अपने हाफ एडर्स दिखाने हैं। कैसे, देखो एक तो हमारा C1 जा रहा होगा इनपुट, ठीक है, तो ये C1 तो हमारा नीचे से चला जाएगा, ये है C1, ठीक है। अब इसके अंदर हमें P1, G1, P2, G2, P3, G3 ये भी दिखाने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि ये P1, P2, P3 क्या है, G1, G2, G3 क्या है, है ना। तो हमें पता है कि ये P1 जो है, या फिर हम इसको PI सपोज करें, PI क्या है हमारा, AXOR B है, है ना, और GI क्या है हमारा, GI है हमारा AB। तो बस इसको हमें यूज़ करना है यहाँ पर। कैसे करोगे, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। P1 क्या है हमारा, P1 विल बी A1 XOR B1, है ना, और G1 क्या होगा आपका, सिंपल A1 B1। तो आपको अगर PI GI यहाँ पर दिखाना है तो सिंपल यहाँ पर आपको छोटा सा हाफ एडर बनाना होगा, है ना, क्योंकि हमें तो दिखाना है ना कि P जो है वो XOR से आ रहा है और G जो है वो आपके AND से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर छोटा सा, जैसे कि हम अपना हाफ एडर बना रहे होते हैं वैसे यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका एक, एंड यहाँ पे से है ये सेकेंड, है ना, ये होता है आपका एंड, समझ में आ गया। बस तो ये क्या है, इसके इनपुट में A1 और B1, यहाँ पे क्या होगा P1 और यहाँ पर आएगा G1। तो ऐसे आपको P1 और G1 को यहाँ पर बनाना है, समझ में आ गया। अब वैसे ही हम P2 G2 बनाएंगे, वैसे ही हम P3 G3 बनाएंगे, कितना सिंपल है। तो वैसे ही छोटे छोटे से आपको हाफ एडर्स यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया इसका XOR, है ना, एंड यहाँ पर से हो गया इसका एंड, समझ में आया। बस और यहाँ पर क्या होगा A2 B2, है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा P2 और यहाँ पर आएगा G2, समझ में आ गया। अब वैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका XOR, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका AND, ठीक है, AND, ये आपका होगा A3, ये होगा आपका B3, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका P3 और यहाँ पर आ जाएगा G3। बस समझ में आ गया। तो ये हमने दे दिया इनपुट साइड में, समझ में आ गया, और इनपुट में हमारा C1 भी लगेगा तो C1 भी लिख दिया, ठीक है। अब हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, आउटपुट में हमें दिखाना है सम, ठीक है, सम किसका हो रहा है। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल एक ट्रिक से याद रखो, जो आपका C1 है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर होगा आपका P1, ओके, P1 जो कि आपका यहाँ से आ रहा है, ओके, इसको आप थोड़ा सा चाहो तो ऊपर ले लो, तो ये जो P1 है, लेकिन इसको आप नीचे बनाओ, वाई बिकॉज ये P1 है, एंड इधर ही हमें P2 भी दिखाना है क्योंकि वो C2 से आ रहा है, राइट। तो देखो ये जो है ये आप थोड़ा सा नीचे लो, क्योंकि आपको दिखाना है पहले P1, है ना, यहाँ से दिखा दो, यहाँ पर आपका होगा P1, ओके। तो यहाँ से ये जो है आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है XOR, समझ में आया, XOR, और ये क्या है आपका सम नंबर 0, ओके। अब क्या करना है, अब यहाँ से इन दोनों का, इस पूरे का क्या आ रहा है आउटपुट, इसका आउटपुट तो C2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा C2। चाहो तो ये जो P1 है ना, इसको थोड़ा सा बाहर लिख दो, यहाँ पर लिख दो P1, क्योंकि ये जो है इससे नहीं बन रहा है, इन दोनों से सिर्फ C2 बन रहा है ना, ये C1 P1 जो है ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहले होने चाहिए ताकि हम C2 C3 C4 डिज़ाइन करें, ओके। अब C2 हमें यहाँ पर बनाना है, C2, एंड उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए होगा P2, तो ये P2 हमें मिलेगा यहाँ से, और बस इन दोनों का हमें ले लेना है XOR, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा S1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब इससे हमें ये जो है ये 2 का है, 2 से हमें क्या मिल रहा है, C3 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा C3। अब इसको हम ले लेंगे, एंड यहाँ से हम ले लेंगे P3, ठीक है, P3 आ जाएगा हमारा, एंड इस P3 से हम यहाँ पर कर देंगे XOR, तो बस यहाँ पर आपका ये आ जाएगा सेकेंड सम, ओके। वैसे ही यहाँ पर होगा C4 के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल ये हो जाएगा आपका S, समझ में आ गया। तो ये पूरा परफेक्ट आपका मेन डायग्राम है फॉर लुक अहेड कैरी जनरेटर, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, आपको फुल एडर वाला डायग्राम बताया, उसके बाद आपको क्या बताया मैंने, ट्रूथ टेबल बताया बनाने के लिए, उससे क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एक्सप्रेशन यूज़ करना है जो कि डिटरमाइन करेगा, प्रेडिक्ट करेगा बाय जस्ट
जस्ट पुटिंग योर आई वैल्यू द नेक्स्ट कैरी. ओके, तो आई आपको पहले वन पुट करना है, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फिर सी थ्री के लिए बनाना है, फिर सी फोर के लिए. ओके, तो इसके बाद आपको बनाना है लॉजिक डायग्राम, जो कि मैंने आपको बोला है हाफ आप बनाएंगे, एंड ये है आपका मेन डायग्राम. तो इस फ्लो के अंदर आपको अपना लॉजिक मतलब पूरा का पूरा इसका जो आंसर है वो आपको बनाना होगा, एंड पूरा परफेक्ट मैनर में आपके लिए नोट्स में अवेलेबल है. तो प्लीज़ आप जाके नीचे गूगल फॉर्म है उसको अभी के अभी फिल कर दो, ताकि आपको सारे एक्सेस मिल जाए उन सब नोट्स का, कंप्लीट सेकेंड ईयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो. तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, बीसीडी एडर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बी सी डी एडर मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उतना ही ईजी भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो चलो, बी सी डी एडर के अंदर क्या होता है, एंड बी सी डी एडर को ही और आपको बोला जाता है क्या, रिपल कैरी एडर. ठीक है, तो अगर आपको रिपल कैरी एडर ऐसा एक्सप्लेन करने आया एग्जाम में, या फिर आपको बी सी डी एडर आया, आपको सेम चीज़ को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो रिपल कैरी एडर भी इसी को बोलते हैं. सिंपली इसके अंदर तीन केसेस होते हैं. ठीक है, तीन केसेस होते हैं, एंड उन तीनों केसेस को हमें कंसिडर करना होता है, एंड बेसिकली उसके बाद उसका मेन डायग्राम बनाना होता है, जो कि मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगी. ठीक है, तो यही फ्लो है, इसका सिर्फ दो ही फ्लो हो गए, यानी कि दो ही स्टेप्स के अंदर आंसर आ जाएगा. यानी कि आपको दो तीन केसेस हैं वो पहले दिखानी होंगी, एंड देन उसके बाद आपको मेन डायग्राम बना देना होगा, बस दैट्स इट. उससे ज्यादा आपको बीसीडी एडर के अंदर कुछ नहीं करना है. आप चाहो तो एक टेबल बना के वहां पर सिंपल दिखा सकते हो. ठीक है, चलो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, बहुत सिंपल है, मैक्स टू मैक्स आपको इसको टू स्टेप्स के अंदर समझ लो. ठीक है, तो चलिए दो आपके तीन केसेस कौन से होंगे. तो चलिए सबसे पहला केस, केस वन. ओके, इस केस के अंदर हमें सम और कैरी, तो तीनों भी केसेस में हम सम कैरी ही देख रहे होंगे. तो पहले केस के अंदर आपका जो सम है, सपोज जो आपका सम आ रहा है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 9 है. ओके, एंड जो आपकी कैरी है वो इक्वल टू 0 है. ठीक है, आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, कोई भी दो नंबर्स ले रहे हो. ठीक है, सपोज मैं आपको यहाँ पर डेसिमल में दिखाऊंगी, यहाँ पर बाइनरी में दिखाऊंगी, तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो डेसिमल के अंदर सपोज हम कर रहे हैं 5 + 4. ठीक है, इसका क्या आता है, 9 आता है. तो सम आपका लेस देन इक्वल टू 9, यानी इक्वल भी है ना, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो सकती है इसके अंदर, है ना. तो ये वाली कंडीशन इसी के अंदर आएगी. बाइनरी के अंदर हम करें तो 5 को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली 8421 अपने माइंड में रखना है हमें. 5 को हम कैसे लिखते हैं, 0101. उसके बाद 4 को कैसे लिखते हैं हम, 0100, है ना. इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 10 का क्या आ जाएगा, 1, 00 का तो 0 आ जाएगा, 11 का आएगा 0, और 1 कैरी, एंड इस 1 का डायरेक्ट, यानी कि कोई भी कैरी, यानी कि हमारी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कैरी जनरेट होती है वो कैरी है क्या, नहीं है. तो सिंपल हमें इसको क्या कंसिडर करना है कि इसमें कैरी 0 है. यहाँ पर इसको आपको ऐसे कंसिडर करना है, यहाँ पर आपको ऐसे लिख के दिखाना है, जो कैरी है वो आपकी 0 है. समझ में आ गया. तो मुझे बताओ ये पूरा क्या बना, ये पूरा 1001, 1001 क्या बचा, क्या बना, 9 बना, है ना. तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया. तो हमारे पास यहाँ पर कोई करेक्शन नीड नहीं है, नो करेक्शन नीडेड. अभी आपको लगता होगा कि क्या करेक्शन क्या, तो नेक्स्ट आपको केस के अंदर समझ में आ जाएगा. तो ये जो है आपका, ये इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन नीडेड नहीं है, और ये क्या है आपका केस वन. चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं केस टू. केस टू के अंदर क्या कंडीशन है हमारी, जो कि हमारा सम होगा वो ग्रेटर देन 9 है. ठीक है, एंड कैरी जो है वो हमारी इक्वल टू 0 है. अब आप समझ सकते हो कि मैं बी सी डी एडर के बारे में बात कर रही हूँ, तो बी सी डी में हमें पता है कि सिर्फ हम 0 से 9 तक नंबर्स लेते हैं, राइट. तो बस ऐसे ही आपको करना है, इसीलिए ऐसी कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो रही हैं. तो सम ग्रेटर देन अगर हमारा 9 है और कैरी भी हमारी 0 है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक 6 + 6 हम ले सकते हैं, जो कि होता है 12, है ना. यहाँ पर 8421 में 0110, है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0110 + 0110. ओके, तो इसका जो सम आएगा, देखो 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 एंड कैरी 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 सम और 1 कैरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1. ठीक है, तो 8421, 8 + 4 करेंगे तो हमें 12 तो मिल रहा है, 12 तो मिल रहा है. यहाँ पर कैरी 0 है, इसका मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है. इसी कंडीशन के अंदर ये एग्जांपल जो है वो परफेक्ट फिट है. यहाँ पर जैसे कि ये हमारी ऐसी वाली कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है, सम हमारा ग्रेटर देन 9 है, तब इसके अंदर हमें करेक्शन करनी पड़ेगी. यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है करेक्शन नीडेड, एंड इस करेक्शन के अंदर हमें क्या करना है बेसिकली, तो करेक्शन तो नीडेड है. ओके, करेक्शन तो नीडेड है, ये इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पर मिली है, जो कि है 1100, ठीक है, इसको हमें लिख लेना है, एंड सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर 6 ऐड करना है. सही सुना,
सिक्स ऐड करना है। क्या ये हर एक क्वेश्चन में होगा? हाँ, हर क्वेश्चन में होगा। जिसमें भी आपका सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है उसमें हर जगह आपको 6 को ऐड कर देना है। तो 6 साथ कैसे ऐड करोगे? 6 हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 0110। तो यहाँ पर आ जाएगा 0110। बस हमेशा याद रखो कि ये स्टेप आपको करना ही है जब आपको मतलब आप ऐसे केस से डील कर रहे हो जिसमें आपका सम ग्रेटर देन 9 है। ठीक है, तो बस आपको इसको कर देना है। ये 00 हो गया, ये 01 का क्या होगा? 1 होगा। 11 का क्या होगा? 0, और यहाँ पर 1 होगा। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका अगेन 0 आ जाएगा और 1 आपका बन जाएगा कैरी। ठीक है, तो बस इसको आपको ऐसे करना है। एंड दिस विल बी व्हाट? दिस इज योर केस 2। समझ में आ गया? हमेशा याद रखो कि आपको 6 को ऐड करना है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है? सिंपल यही है, बस कैरी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल कैरी 1 हो जाएगी बस, उसके ज्यादा आपका कोई केस नहीं है। केस 1 में समझ में आ गया करेक्शन नीडेड नहीं है, केस 2 में करेक्शन नीडेड है। क्यों? क्योंकि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है और यहां पर सम लेस देन इक्वल टू 9 है, तो बीसीडी एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सब कुछ सम के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड जो थर्ड केस है उसमें हमें कैरी को कंसिडर करना है, तो सम लेस देन इक्वल टू 9 होगा और कैरी जो है वो 1 हो जाएगी। चलो उसके भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो देखो ये है आपका थर्ड केस जिसमें हमारा सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 है और जो कैरी है वो 1 है। तो सपोज इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक 8+8 मैं एग्जांपल लेती हूँ जिसका आंसर हमें पता है कि 16 होता है, राइट? बाइनरी के अंदर अगर हम 8 करें तो हमें मिलता है 1000, प्लस 8 करें तो 1000। ओके, अब इसके अंदर ये 0, ये 0, ये भी 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 और आ जाएगी 1 कैरी। इसका मतलब ये फिट एग्जाम्पल है फॉर दिस, सम भी ग्रेटर देन 9 है और कैरी भी 1 है, है ना? तो ये इसके अंदर फिट बैठ रहा है। अब इसके अंदर भी हमारी करेक्शन नीडेड है। करेक्शन वहां पर नीडेड होती है जहां पर हमारा जो सम है वो हमारा जो सम है वो हमारे 9 से बड़ा है। ठीक है, हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सम इज विल बी ओके। यहाँ पर आपको कंडीशन क्या समझनी है? सम लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए और कैरी इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कैरी तो 1 आ गई हमारी, राइट? तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि सम तो 16 है, राइट? सम तो 16 बोला है एंड ये बोल रही है सम लेस देन इक्वल टू 9। ओके, आई नो कि ये डाउट आएगा आपके दिमाग में, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। समझ में आया? ये वाला सम हम कंसिडर करते हैं क्या? डेसिमल वाला नहीं, हम बाइनरी वाले सम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है ये आपका सम होता है और ये आपका कैरी होता है। तो हमेशा याद रखो मैं इस सम की बात कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट केसेस के अंदर भी, हाँ मैंने आपको डेसिमल का एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन हाँ इसको हम ऐसे लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है 00 ये आपका सम है और ये आपकी कैरी है। तो इसके अंदर भी सम क्या है? लेस देन इक्वल टू 9 है आपका, तो आपको क्या करना होगा? डेफिनेटली को ऐड करना होगा। तो आपके पास क्या मिला है? आपको ये आपकी आपको यहाँ पर ये कैरी मिली हुई है, राइट? एंड यहाँ पर ये 0000 आपका सम है एंड आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है 6 को। तो 0110 को आपको ऐड करना है। यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, 1 यहाँ पर भी 0 आएगा एंड ये आ जाएगी आपकी कैरी। सो दिस इज नथिंग बट योर 16। समझ में आ गया? तो बस ऐसे ही आपको ये 3 केसेस दिखाने हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल केसेस हैं, बस एक ही चीज़ याद रखो, जहाँ पर भी आपका सम लेस देन इक्वल टू 9 है वहां पर आपको क्या करना है? आपको करना है 6 को ऐड। समझ में आ गया? बस एक चीज याद रखो, जहां पर भी आपका यहां पर सम लेस देन इक्वल टू 9 है, जब जब कैरी आपकी 1 होगी तब। ओके, एंड देन जब सेकंड केस है आपका जहां पर सम ग्रेटर देन 9 है वहां पर आपको करेक्शन नीडेड होगा। बस करेक्शन नीडेड कहां पर नहीं है? सम लेस देन इक्वल टू 9 और कैरी इक्वल टू 0 पर। ठीक है, बस इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद हमें एक डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी, अगर आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक है, आप लिखोगे तो ना अपना जो अपना राइटअप होता है हमारा लैब मैनुअल वो हम लिखते हैं, राइट? तो उसके अंदर हमें उसको बनाना है। तो सब आई होप कि आपने बनाया होगा उसको एंड प्रैक्टिकल के अंदर वो आप डिज़ाइन करके भी देख सकते हो। नाउ वी विल सी द एग्जांपल एंड कंप्लीट डायग्राम कि आप उसको कैसे बना रहे होगे। तो चलो अब बीसीडी एडर का हमें जो है डायग्राम बनाना है। तो इसका जो आपका यूज़ होगा, मैंने जैसे बोला प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका हो रहा होगा। तो चलो जैसे कि 4-bit बाइनरी एडर हमें बनाने हैं, ठीक है? ये क्या है? बीसीडी एडर है। तो हमेशा यूज आपको याद रखना है कि आपको 2 4-bit बाइनरी एडर्स को यूज़ करना है। तो ये आपका एक हो गया एंड थोड़ा नीचे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ जो कि होगा आपका सेकेंड, ठीक है? ये है आपके क्या? 4-bit बाइनरी एडर, ठीक है? 4-bit बाइनरी एडर और नीचे वाला भी क्या है आपका? 4
वेट बाइनरी एडर, ठीक है। तो ये दो हो गए आपके, समझ में आ गया। तो बस आपको इनको यूज़ करना है एंड उसके बाद क्या बनाना है आपको, आपके इनपुट्स, ठीक है। तो इनपुट्स के अंदर जैसे कि ये 4 बिट है तो आपके पास 4 बिट्स आने चाहिए, यानी कि सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, A0, A1, A2 और A3। वैसे यहाँ पर B0, B1, B2 और B3 है ना। यहाँ पर हम उसको नेमिंग दे सकते हैं A0, A1, A2, A3 और यहाँ पर दे सकते हैं B0, B1, B2 और B3। तो ये क्या हो गए, हमारे इनपुट्स हो गए। तो इससे जो आउटपुट आएगा, हमें पता है बाइनरी एडर से हमारे जितने भी इनपुट हैं हमें उसका आउटपुट कितने मिलते हैं, लाइक यहाँ पर 8 इनपुट्स हैं तो आउटपुट कितने मिलेंगे, 4 आउटपुट मिलेंगे। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसके अंदर आपका इनपुट होगा, दूसरे वाले 4 बिट के अंदर। यानी कि जैसे कि ये है तो यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे, समझ में आ गया। तो ये हैं आपके ये वाले बाइनरी 4 बिट बाइनरी एडर के आउटपुट, जो कि आपके दूसरे वाले 4 बिट बाइनरी एडर के इनपुट में जा रहे हैं। तो अगर ये आउटपुट हैं तो आउटपुट में हमें तो सम ही मिल रहा होता है, तो हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, S0, S1, S2 और S3, समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, जो कि इसके लिए क्या हो रहे होंगे, इसके लिए ये होगा A0, A1, A2 और यहाँ पर आ जाएगा A3, समझ में आ गया। तो ये इसके लिए हो गए, ओके। तो बहुत ज़्यादा सिंपली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, मेन काम करना है, क्योंकि हमें यहाँ के जो है ना 4 इनपुट वो यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, अच्छे से याद रखो, ठीक है। मैं जो भी बोल रही हूँ थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो, जो भी है अब हमें यहाँ पर करना है। एक तो यहाँ पर हमारा आ रहा होगा Cin, ठीक है, ये होगा आपका Cin, ओके। चलो अब यहाँ से यहाँ पर आपका जो है इसका भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये आउटपुट क्या होगा, कैरी होगा ना, ये तो आपका क्या है, सम है, तो कैरी भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैरी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका आएगा S3, फिर आएगा आपका S2, जिसको आपको करना है एंड, समझ में आया, अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। इसको कैसे डिजाइन करना है ये आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया, इसका एक्सप्रेशन भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी ट्रूथ टेबल के हिसाब से, तो वो आप वैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये इजी है टू अंडरस्टैंड एंड टू मतलब कीप इन माइंड एज वेल। तो S3 और S2 का हमने यहाँ पर एंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको लेना है S1 और फिर S0 में आपको क्या लेना है, याद रखो S0 के अंदर आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सिंपल S1 के साथ वापस से S3 का ही लेना है एंड, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैं ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर S3 S2 हो गया एंड यहाँ पर S1 और S3 हो गया, समझ में आया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, और लेंगे, ठीक है। लेकिन इस और के अंदर हमारा ये जो का आउटपुट है वो भी इसके अंदर यहाँ पर इनपुट में आ रहा होगा एंड इन तीनों का यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, और, समझ में आ गया। यहाँ पर इन तीनों का हम ले लेंगे और एंड वही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें देखो यहाँ से या तो हमें 0 मिल रहा होगा या तो हमें 1 मिल रहा होगा, है ना। तो या जैसे कि कैरी हमें पता है ना 0 और 1, कैरी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, राइट। तो बस अब यहाँ से हमें जो है इसको ले लेना है एंड अगर 1 है, देखो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर आपके ये तो हो गए 4 आपके जो इनपुट होने वाले हैं वो, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखो जो कि हमारा BCD एडर हम बना रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमारा वो 9 के हमारे पास जो 2 केसेस थे जिसके अंदर हमें करेक्शन चाहिए थी, सम ग्रेटर देन 9 कैरी 0 के लिए और सम लेस देन इक्वल टू 9 कैरी 1 के लिए, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे 6 को, है ना। तो बस अब हमें यहाँ पर लिखना है 6, यानी कि यहाँ पर आएगा 0 1 1 0, समझ में आ गया। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यह है 0 1 1 0, ओके, यह है 4 बिट बाइनरी एडर, समझ में आया। तो ये 0 1 1 0 हो गया। अब ये जो 1 1 है, ये जो 1 1 है, ये आपका डायरेक्टली ऊपर कनेक्टेड होगा आपके आउटपुट से, समझ में आ गया। और ये जो 1 है वो आपके कनेक्ट किससे होंगे, ग्राउंड से, समझ में आ गया। 0 0 कब आएगा मुझे बताओ, 0 तभी आएगा ना जब ग्राउंड को कनेक्टेड है ना। तो बस यही करना है आपको एंड यहाँ पर से आपका सी आउट आ जाएगा। तो बस यही है आपका कंप्लीट डायग्राम। बस हाँ, इसके नीचे भी याद रखना, ये जैसे कि S0 S1 S2 S3 है तो इसके नीचे भी आएगा S0 S1 S2 और
यहाँ पर आएगा S3, जो कि यहाँ पर आएंगे एरोज भी, क्योंकि ये हमें दिखाना है, ये आउटपुट है। समझ में आ गया? तो ये है आपका कंप्लीट डायग्राम, मैंने बहुत अच्छे से अपने जो है ना इधर बनाया हुआ है। देखो ये आपका नोट्स के अंदर का डायग्राम है, आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसका बनाने के लिए, ठीक है? तो बस यही है। एंड अगर आप इसका ये बनाना चाहते हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये कैसे यूज हुआ है, तो ये आप पहले भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्या इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एंड बस इतना आप डायग्राम अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, तो बताओ हमारे यहाँ पर क्या है। देखो इनपुट्स, हमारे इनपुट्स हैं S0, S1, S2 और S3, ठीक है? एंड यहाँ पर हमारे आउटपुट होंगे सपोज Y, ठीक है? तो बस इनको आपको ऐसे समझ लेना है, कॉलम्स यहाँ पे बना दे रहे हैं। आप ये बना दोगे ना ये वाला टेबल, तो आपका कन्फर्म है मार्क्स, ठीक है? क्यों कन्फर्म है? क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी डिराइव करके दिखा रहे हो। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया। अब देखो आपको यहाँ से आपको दिखाना है 0 से 15 तक, यानी कि सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 दिखा सकते हो एंड डॉट 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 करके आप डायरेक्टली 1 पे आ सकते हो। क्यों, ये मैं अभी बताती हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आपको ये भी 0 0 0 कंसीडर करना है, यहाँ पर आ रहा होगा आपका 0। हम 10 को कैसे लिखते हैं वो बस याद रखो, 8 4 2 1 के अंदर 10 को कैसे लिखते हैं, 8 और 2, राइट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0 1 0, समझ में आया? यहाँ पर हम लिखेंगे 11, ठीक है? यहाँ पर आएगा 10 11 12 13 14 और 15 आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? 15 तक। तो मुझे बताओ यहाँ पर हम सिंपल ये वाला लॉजिक यूज करेंगे, बाइनरी वाला। 11 कैसे आएगा, 1 0 1 1 आएगा। 12 कैसे आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0 0, है ना? 13 के लिए क्या आएगा, 1 1 0 1, और 14 के लिए क्या आएगा, 1 1 1 0, है ना? और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है? आई एम राइट या ओके? अब यहाँ पर देखो S1 के लिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इधर है आपका ये 0, ये है 1, ये है 2, ओके? तो इधर 0, तो ये तो 0 0 ही होता है, 0 1 क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पर आता है ये 2, समझ में आ गया? तो इतना टेबल हमने बना लिया, किसके लिए, 0 से 15 तक। अब मैंने यहाँ पर क्यों ऐसे छोड़ा, देखो हमें पता है कि हमारे पास 9 तक जो है वो हमें वहाँ पर कैरी क्या रखनी है, 0 रखनी है। 9 तक कैरी 0 होगी एंड 9 के बाद हमारी जो कैरी हो रही होगी वो 1 हो रही होगी, इसीलिए यहाँ पर आपको 9 तक सबको यहाँ पर 0 कंसीडर करना है, ठीक है? 9 तक आपको सबको 0 कंसीडर करना है एंड उसके बाद जो सब है उसमें आपको 1 कंसीडर करना है, ओके? बस अब इसी का आप Y का अगर आप K मैप बनाओगे, ठीक है? Y का K मैप आप कैसे बनाओगे, एक तो ये 4 वेरिएबल्स हैं तो आपका 16 सेल K मैप बन रहा होगा, है ना? ये 16 सेल आपका K मैप हो जाएगा, ओके? यहाँ पर आपका और आएगा एक कॉलम ऐसे, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपने बना लिया। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा S3, S2, S1, S0, 0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0 0, 1 1 1 1, 1 और 1 0। लास्ट वीडियो में एक सम मैं कर रही थी, वहाँ पर यहाँ पर मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है? तो उसको आप करेक्ट कर लेना, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए थोड़ा सा, तो कंसेप्ट करेक्ट है, वो उसका आंसर भी करेक्ट है, जहाँ पर 1 है वो भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने अपनी बुक से चेक कर लिया था उसको। तो बस आप उसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन ये करो कि 0 से स्टार्ट कर लेना, ओके? तो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, हमें क्या करना है, 10 के बाद 15 तक हमें 1 लिखना है, 10 के बाद 15 तक, यानी कि इस वाली रो में आएगा तो यहाँ पर आपको जीरो नहीं, आपको यहां पर लिखने होंगे 1 1 1 1, यहां पर आ जाएगा यहां पर 1, ठीक है? आप देख सकते हो यहां पर आप लिखोगे 0 1 2 3, यहां पर लिखोगे 4 5 6 7, यहां पर आएगा 8 9, 10 आया, 11 आया, यहाँ पर आएगा 12 13, यहाँ पर 14 आया, 15 आया। तो बताओ 10 11 12 13 14 15, ठीक है? यहाँ पर हमने 1 1 लिख लिया, बाकी आपको 0 कंसीडर करने हैं। तो बस इसको आप बनाओगे इसका के मैप, तो मुझे बताओ ये आपका एक क्या बन रहा है, ये आपका एक बन रहा है क्वाड, है ना? और यहाँ पर ये भी आपका एक बन रहा है क्वाड, समझ में आ गया? तो बस इन दोनों का आप एक्सप्रेशन लिखोगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाई का एक्सप्रेशन। तो इसका क्या आएगा, इसका तो सिंपल यहाँ पर क्या है, यही आएगा ना, S3 और S2, तो S3 और S2 प्लस, अब यहाँ पर इसका क्या आएगा, ये वाले क्वाड का, तो इसमें ये क्या है कॉमन, S3 कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है, S1, तो यहाँ पर आएगा S3 और S1। बस यही मैंने बनाया था, वो जो बीच में मैंने बनाया था, मैंने S3 S2 और S3 S1 का ही और किया था। S3 S2 का देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ बुक से। देखो यहाँ पर देखो S3 और S2 का एंड हुआ, पहले S3 S2 का एंड हुआ, फिर S3 S1 का एंड हुआ और उन दोनों का और हो गया,
है ना सिंपल, तो ये आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हो एंड दिस विल बी द लास्ट स्टेप फॉर योर बीसीडी एडर। ओके, तो हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया, लुक अहेड कैरी जनरेटर और बीसीडी एडर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कंपैरेटर। तो चलो अब हम देख लेते हैं कंपैरेटर। ठीक है, तो कंपैरेटर बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कंपैरेटर के अंदर भी दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, वन बिट कंपैरेटर और टू बिट कंपैरेटर। ठीक है, वन बिट कंपैरेटर नहीं आता है, लेकिन हाँ टू बिट कंपैरेटर को समझने के लिए हमें वन बिट समझना है एंड टू बिट कंपैरेटर आप 100% मान के चलो। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि वन बिट कंपैरेटर कैसे दिखता है। ठीक है, देखो इतने बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, इतने बेसिक से, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट टू बिट है तो डायरेक्टली विल जंप ऑन टू बिट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं वन बिट से आपको बता रही हूं। तो देखो आपको पहले बनाना होगा ट्रुथ टेबल जो कि है ए बी, है ना, एंड यहां पर आपका होगा ए ग्रेटर देन बी, कंपेयर कर रहे हैं हम, ए लेस देन बी कंपेयर कर रहे हैं हम, ए इक्वल टू बी कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड जैसे कि ये वन बिट है, वन बिट के अंदर यानी कि हमें क्या करना है, 0011 यहां पर आएगा 0101, हम समझ में आ गया। तो ये है ए बी, देखो अब इसको सिंपल हमें क्या करना है, ए और बी को कंपेयर करना है। अब देखो आप वन बिट कंपैरेटर कितने इजीली यहाँ पर डिजाइन कर पाओगे, कितना ज़्यादा सिंपल होगा ये देखना। ओके, तो हमें पता है यहाँ पर हमने कॉलम्स में क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, है ना। अब आपको ए और बी को कंपेयर करना है, ए और बी देखो यहाँ पर क्या है 00, यानी कि ए और बी क्या है सेम है, तो ए इक्वल टू बी के अंदर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 00, कितना सिंपल है। अब देखो 0 और 1 में ग्रेटर क्या है, बी ग्रेटर है, यानी कि ए इज लेस देन बी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, सब जगह 0, कितना सिंपल है। अब यहाँ पर देखो 10, तो 1 क्या है आपका ए है, यानी कि आपका ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, बाकी 0 0। अब देखो यहाँ पर ये है 1 1, है ना, तो 1 1 क्या है आपके इक्वल है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी में आ जाएगा 1 और ये हो जाएंगे आपके 0, समझ में आ गया। बस यही है आपका वन बिट कंपैरेटर। अब आपको क्या करना है, आपको इसका के मैप बनाना है, इसका के मैप बनाना है, इसका के मैप बनाना है। ठीक है, तो के मैप बना के आप वेरीफाई करो, बहुत ज़्यादा सिंपल ये तो मतलब सिंपल है, यानी कि आपको दो ही यहाँ पर ये है ना, दो वेरिएबल्स हैं, तो आपका 4 सेल के मैप बन जाएगा, इतना सिंपल वाला के मैप आपका बन रहा होगा एंड बस इसी के अंदर आप इसको भी देखो एंड इसको भी देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल आपको आंसर्स मिल रहे होंगे एंड उसका आपको बनाना है सर्किट डायग्राम। पता है ना ट्रू टेबल बना रहे हैं तो आउटपुट का हमें के मैप बनाना होगा और उससे हमें सर्किट डायग्राम बनाना होगा, आप जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया वन बिट कंपैरेटर का, बस अब हम इसी कंसेप्ट से टू बिट कंपैरेटर करेंगे एंड वैसे ही आपको टू बिट कंपैरेटर के जो आउटपुट्स निकल के आ रहे होंगे उससे आपको क्या करना है, के मैप बनाना है तीनों भी आउटपुट्स का और बस उसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। बस इतना सिंपल आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए टू बिट कंपैरेटर देख लेते हैं, मैं इसका नहीं बना के दिखा रही हूँ, ये के मैप बहुत सिंपल है एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम इन के मैप्स। अगर आपके के मैप्स परफेक्ट है तो प्लीज गो एंड ट्राई दिस वन एंड अगर आपको नहीं भी मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं के मैप्स, तब आप जाके फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ सकते हो अपने चैनल से एंड के मैप्स परफेक्ट कर सकते हो, के मैप का भी 1 शॉट अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जाके आप देख लेना एंड देन इसको ट्राई करना, इतना ज्यादा सिंपल तो आना ही चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, चलो अब टू बिट कंपैरेटर मैं आपको बना के दिखाती हूं। तो देखो ये है आपका टू बिट कंपैरेटर। ठीक है, ऐसा आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। टू बिट है इसका मतलब A0 A1 होगा, B0 B1 होगा, याद रखना पहले A1 फिर A0 फिर B1 फिर B0। ठीक है, फिर आपको तीनों कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। ठीक है, तो आपने ये सारे बना लिए, आप चाहो तो इसको ए लेस देन बी जैसे मैंने पहले यहाँ लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इन तीनों में कहीं भी शफल कर सकते हो, लेकिन ऐसा आप इसको ऐसे ही रखना, कैसे A1 A0 B1 B0। ओके, अब आपको क्या करना है देखो सिंपल, जैसे कि मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ये जैसे कि ये 4 वेरिएबल हो गए ना, तो इसलिए मैंने यहां पर 6 और यहां पर आपके कितने हो जाते हैं ये, ओके ये 7 होने चाहिए, राइट, हाँ 7, क्योंकि हमें ये 8 चाहिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर 8 चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में परफेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो रहा है यहाँ पर बोर्ड मेरा। ठीक है, तो सिंपल आपने ये 8 बना लिए, नीचे 1 8 बना लिए। अब यहाँ पर आपको 8 बनाए तो फिर आपको कितने बनाने होते हैं, 4 हमारी ट्रिक के हिसाब से, तो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 और नीचे भी 1 1 1 1, आई एम राइटिंग वेरी स्मॉल बिलो। ओके, चलो उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 बनाने होंगे, राइट। तो सिंपल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ओके, यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
10. ओके चलो, इसके बाद आप आगे के कर लोगे मुझे पता है, मुझे बस एक्सप्लेन करना है आपको. तो देखो, अब जब हमें 2-bit कंपेरेटर बनाना है, 2-bit कंपेरेटर के लिए इतना सिंपल अप्रोच है, बस पहले आपको इन दोनों को कंपेयर करना है. 0000 यानी कि आपका क्या हो गया, a इक्वल टू b हो गया. अब इसको आपको बनाना, ये क्या हो गए, 0000 यानी कि इसका आ गया 0 और इसका भी आ गया 0. इसका मतलब ये क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो बस आपको इक्वल के अंदर 1 दे देना है एंड यहाँ पर 0000. आगे समझो, यहाँ पर 0 है और इसका मतलब क्या है, 1 है ना, ये 0 है एंड ये 1 है. आपको इन, देखो इन दोनों को इन दोनों से कंपेयर करना है गाइस. देखो हमें पता है, हमें पता है 0000 क्या होता है, 0 होता है. 01 क्या होता है, 1 होता है. 10 क्या होता है, 2 होता है. और 11 क्या होता है, 3 होता है. बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो. देखो 00 है एंड 01 यानी कि 1. तो मुझे बताओ 0 और 1, ए लेस देन 1 बी हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 00. ओके ना. नाउ यहाँ पर देखो 00 और 10, 00 तो 0 ही है, 10 क्या होता है, 2 होता है, राइट. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अगेन ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा 1, है ना. बाकी ये हो जाएंगे 00. अब यहाँ पर देखो, तो ये 00 और 11, 00 11 का मतलब होता है 3, राइट. तो ये क्या है, अगेन ग्रेटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना. अब यहाँ पर देखो, अब ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है. इसका मतलब a ग्रेटर देन b में 1 आ जाएगा और 00. बस यहाँ पर देखो, ये 01 क्या है, 1 और ये है 1, यानी कि 1 और 1 तो इक्वल हो गए ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 00. ओके, यहाँ पर देखो तो ये है 1, ये है 2, यानी कि 1 इज लेस देन 2, 1 is less than 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, बाकी में 00. यहाँ पर देखो 1 और ये 11 क्या होता है, 3, तो 1 is लेस देन 3, तो लेस देन 3 के अंदर तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 00 आ जाएंगे. तो गाइज बस ऐसे ही आपको आगे प्रोसीड करना है एंड पूरी आपकी ये तीनों की तीनों जो आउटपुट की टेबल है वो आपकी क्रिएट हो जाती है. बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल देखो, लेकिन एक जगह भी अगर आपने मिस्टेक कर दी ना, तो पूरा गेम ऐप गलत हो जाता है एंड आगे सर्किट डायग्राम भी गलत बनता है. तो इसीलिए आपको इस टेबल में बहुत ध्यान दे के ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी, लेस देन बी यहाँ पर आपको बनाने हैं. एंड देन आपका जो ग्रेटर देन बी है उसका आपको के मैप बनाना है, इक्वल टू बी का के मैप बनाना है, लेस देन का के मैप बनाना है. ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है. कैसे बनाओगे, मैं के मैप्स वगैरह बनाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिंपल आपको दिखा देती हूं. देखो के मैप फॉर ए ग्रेटर देन बी, उसके लिए आपका जहां पर भी 1 होंगे वो आपको यहां पर नंबर्स ले लेने हैं एंड देन यहां पर आपको उसका के मैप बनाना है. आपको पेयरिंग कॉर्ड्स आपकी करनी है यहां पर और आपका ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा होगा. ठीक है, अब के मैप फॉर ए इक्वल टू बी, तो यहां पर पे भी 1 आ रहे हैं वहां पर एंड देन ऐसा आएगा. उसके बाद इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा होगा एंड देन यहां पर देखोगे a लेस देन b के लिए, तो ये ऐसी पेयरिंग हो रही होगी एंड ये आपका जो है आउटपुट बन रहा होगा इसका. देखो ये जो है ये बहुत बड़ा आया है, है ना, ये बहुत बड़ा आ रहा है आपका. तो इसको आपको सिंपलीफाई ऐसे करना होगा जिससे आपका आंसर ये आ जाता है. ठीक है, तो सिंपल आपको जितना ज्यादा सिंपलीफाई हो सके उतना करना है एंड दिस विल बी योर सर्किट डायग्राम. ठीक है, बस दिस वॉज द एंड ऑफ योर 2-bit कंपेरेटर. जिनको के मैप बनाना आता है, सर्किट डायग्राम बनाना आता है, देन उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ट्रुथ टेबल बनाने आ गई ना, बस के मैप सर्किट डायग्राम तो हम बना ही लेंगे. ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू. आई होप समझ में आ गया होगा. तो अब हमने क्या सीख लिया, 2-bit कंपैरेटर भी सीख लिया. तो आई विल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इजीली मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर यानी कि पूरा डेडिकेटेड मल्टीप्लेक्सर के लिए वीडियो बना दूंगी. सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी बाय सीइंग द कंप्लीट वीडियो इन 3 पार्ट्स. तो फर्स्ट में हमने बेसिक्स कल कर लिए थे जो भी इंपॉर्टेंट थे. नाउ यस, यहाँ पर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी जो कि था हमारा कौन सा, कैरी लुक अहेड कैरी जनरेटर था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने, रुको एक मिनट मुझे देखने दो, लुक अहेड कैरी जनरेटर पढ़ा, फिर हाँ BCD एडर पढ़ा जिसको हम ट्रिपल कैरी एडर बोलते हैं एंड देन हमने कंपैरेटर्स पढ़े, 1-bit एंड 2-bit कंपैरेटर. तो आज के वीडियो में ये तीनों के तीनों आपके टॉप आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं. आप देखोगे तो लुक अहेड कैरी जनरेटर भी आपको दिखेगा, 2-bit सॉरी BCD एडर भी आपको दिखेगा क्वेश्चंस में एंड देन 2-bit कंपैरेटर भी आपका आ सकता है. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 2-bit कंपैरेटर और लुक अहेड कैरी जनरेटर है. BCD एडर पर स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आपको सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. दैट्स इट, यानी कि तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक
मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मल्टीप्लेक्सर. आपको इंप्लीमेंट करने आते हैं, डिजाइन करने आते हैं मल्टीप्लेक्सर, देन आपको अलग अलग टाइप्स में मल्टीप्लेक्सर्स को क्या आता है, आपको टाइप्स के अंदर उनको इंप्लीमेंट करना होता है. बहुत ईजी है मल्टीप्लेक्सर भी, वो मैं आपको बताऊंगी. डीमल्टीप्लेक्सर आपको बताऊंगी, पैरिटी जनरेटर आपको बताऊंगी एंड मक्स इंप्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगी. बस आपका मतलब पूरा का पूरा डेडिकेटेड यूनिट हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर के ऊपर एंड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, जल्दी से हमारा हो जाएगा. बस आपको अच्छे से यहाँ पर आपको पार्ट टू कर लेना है. पार्ट वन आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे से, तो पार्ट वन पार्ट टू से आपका लाइक आपको समझ लो कि 75-80% आपका जो सिलेबस है फॉर यूनिट टू वो कवर हो चुका है. अब आपको मल्टीप्लेक्सर के लिए एक वीडियो देखनी है एंड यूनिट टू आपका कवर हो जाएगा, ठीक है. आई जस्ट नीड सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल गाइज. आपके जितने ज़्यादा अच्छे मेरे पास कमेंट्स आ रहे होंगे एंड जितना ज़्यादा आपका मुझे सपोर्ट दिख रहा होगा, उतने ही जल्दी आपको हर वीडियो यहाँ पर मिल रही होगी इस चैनल पे. डेली आपकी एक वीडियो चल रही है फॉर योर हैकर रैंक सीरीज. अगर आपको C++ मास्टरी करनी है तो आप जाके वहां से कर सकते हो. डेली एक वीडियो आप देख सकते हो एंड हैकर रैंक के ऊपर अपनी मतलब रैंक को आप कम कर सकते हो, मतलब रोज की प्रॉब्लम सॉल्व करके यू कैन डू दैट, ठीक है. तो हैकर रैंक के अंदर जो रैंक होती है वो डेफिनेटली हम कहां पर पुट करते हैं आपको पता ही होगा, हम रेज्यूमे के अंदर पुट कर रहे होते हैं. तो हैकर रैंक लीड कोड ये सब है. तो अभी तो हमने हैकर रैंक से स्टार्ट किया है, C++ डोमेन से स्टार्ट किया है. नेक्स्ट अगर आपका सपोर्ट हुआ, वी विल स्टार्ट विद DSA, वी विल स्टार्ट विद लीड कोड, एवरीथिंग, ओके. तो एकेडमिक्स तो हमारा चल ही रहा है, साइड में कोडिंग भी वहां पर चल रही है, तो यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको पूरे हैकर रैंक की सारी सीरीज डेली आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, उससे अच्छे क्या ही बात हो सकती है. सो दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो आपको मल्टीप्लेक्सर के ऊपर मिल रही होगी एंड देन योर यूनिट टू विल बी डेफिनेटली वाइंड अप इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके. तो चलिए इन वीडियो का आपको वन शॉट भी मैं क्रिएट करके दे दूंगी, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का डेफिनेटली वो भी आपका हो जाएगा. तो चलिए दैट्स इट, अच्छे से पढ़ते रहिए. अकेडमिक्स का भी हमें ध्यान रखना है, इनसेम इज नियर, तो सब चीज़ें हम हर सब्जेक्ट इस चैनल पर है. यू कैन गो एंड वॉच एनीथिंग एंड कैन लर्न एवरीथिंग यू वॉन्ट, ओके. तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.